हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल लेटेस्ट कवरेज देखने को मिलेगी ओंकारेश्वर रोड मोटक्का स्थित नर्मदा नदी पर बन रहे नए रेलवे ब्रिज की। दोस्तों, अभी आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दूसरा पिलर है जिसको तैयार कर लिया गया है इस ब्रिज का। दोस्तों, यहाँ पर एक पिलर पूर्व में तैयार कर लिया गया था, ये देखिए, ये है पहला पिलर और दूसरे पिलर का काम भी लगभग 75% तक पूरा हो चुका है। दोस्तों, जो गेज परिवर्तन का कार्य चल रहा है सनावट से महू तक का, इसमें जो सनावट से बलवाड़ा पहला चरण जो है, इसमें ये जो ब्रिज है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है जिसको अब बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ आपको दिख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर पुराने तीन पिलर जो कि मीटर के समय के हैं, और सामने आप देखिए वो है बड़वा एंड इस ब्रिज का, जहाँ पर अर्थवर्क इत्यादि का काम चल रहा है। दोस्तों, इस ब्रिज की लंबाई लगभग 850 मीटर के करीब रहेगी, मीटर के समय पर भी लगभग इतनी ही लंबाई थी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है। दोस्तों, जो सेकंड पिलर के आगे अर्थवर्क का कार्य हो रहा है, इस अर्थवर्क के माध्यम से जो क्रेनें हैं ये आगे तक जा रही हैं, और यहाँ पर अभी अगले जो पिलर्स हैं उनका निर्माण कार्य किया जाएगा। अभी यहाँ पर नदी के बहाव को रोक दिया गया है जहाँ जहाँ ये अर्थवर्क का कार्य हुआ है, और जो नदी का पानी बह रहा है वो पुराने वाले पिलर से उसके पास से ही बह रहा है। दोस्तों, जैसे ही ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन को कम्प्लीट कर लिया जाएगा जो नया बन रहा है, उसके बाद पूरा जो रेलवे का फोकस है वो इस ब्रिज पर आ जाएगा, क्योंकि यही अहम कड़ी है जो खंडवा को बलवाड़ा से जोड़ेगी। क्योंकि जिस चरण के तहत ये काम हो रहा है सनावट से बलवाड़ा के मध्य, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी यही है, यह ब्रिज। इसको बनाना सबसे चुनौती भरा काम है। दोस्तों, जब तक गर्मी का मौसम है तब तक इस ब्रिज पर अच्छी गति से कार्य किया जाएगा, इसको बनाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पर नदी जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है और बाढ़ आ जाती है, तो बनाने में काफ़ी कठिनाई आएगी। तो वो 2-3 महीने तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि उन 2-3 महीनों में इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। तो अभी जो रेलवे के पास जो समय अवधि है वो है जून तक की, और इसके बाद फिर सितंबर से रेगुलर रूप से यहाँ पर काम हो सकता है। दोस्तों, मीटर के समय पर यह ब्रिज बहुत ऐतिहासिक रहा है, और जब ये पूरा सेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा जयपुर से हैदराबाद तक का, तब भी ये ब्रिज ही सबसे बड़ा ब्रिज रहेगा इस पूरे सेक्शन का। और ये जो ब्रिज है यही मालवा को निमाड़ से जोड़ता है। दोस्तों, अगर आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे तो साथ में ही आपको रोड का ब्रिज जो है उसका निर्माण कार्य भी दिख जाएगा, जो कि इस ब्रिज से थोड़ी दूरी पर बन रहा है। उसकी भी कभी एक्सक्लूसिव कवरेज आपके लिए अलग से लाएंगे। तो यह थी आज की वीडियो। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए एवं अपने साथियों के साथ शेयर करिए।